नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो गया है राष्ट्र धर्म का। सुशांत की मौत के हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सुशांत को मारा गया या फिर सुशांत ने आत्महत्या की है। सुशांत केस में देश की तीनों बड़ी एजेंसियां एनसीबी, ईडी, सीबीआई सब ने जांच की, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया। किस ओर जा रही है जांच? क्या कुछ और होना चाहिए? सारा, दीपिका, श्रद्धा के बाद और किसी का भी नाम आना बाकी है क्या? ये सब, इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे खास चर्चा हमारे इस खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या की गई। सुशांत की मौत के बाद देश भर से इंसाफ की मांग उठी। मुंबई पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर सुशांत के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग करी। केस सीबीआई के पास पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे एक एक करके पर्दे खुलते गए। पैसों के लेन देन से लेकर के सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद केस की जांच में देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी ने हस्तक्षेप किया। ईडी के बाद केस में ड्रग्स एंगल सामने आया। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी और आखिरकार एनसीबी ने केस की जांच ड्रग्स के एंगल से शुरू की। जांच के बाद रिया और उसके भाई शौविक को जेल भेज दिया गया था। एनसीबी की जांच में ड्रग्स एंगल आया था सामने। एनसीबी ने पूछताछ के लिए रिया को किया था तलब। रिया से पूछताछ में 25 बड़े नाम आए थे सामने। रिया ने रकुल, दीपिका, सारा का नाम था लिया। एनसीबी ने सबको पूछताछ के लिए किया तलब। एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिस्तर में जहर नहीं मिला है, लेकिन अभी भी मुंबई के कपूर अस्पताल के डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं मिली है। वहीं एक बार फिर से सीबीआई सुशांत के कथित दोस्त संदीप, कुक नीरज और सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ कर सकती है। वहीं एनसीबी अभी सभी के फोनों की जांच कर रही है और डिजिटल सबूत ढूंढ रही है। आपको बता दें कि एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ के बाद उनके फोन जब्त कर लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद मिश्रा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। धन्यवाद स्वाति जी। विनोद जी, 107 दिन बीत चुके हैं सुशांत की मौत को, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया। पहले बात उठती है कि सुशांत ने आत्महत्या की, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ईडी का यानी कि पैसे के लेन देन की बात होती है, जिसमें सुशांत के पिता आरोप लगाते हैं, ईडी आती है, उसके बाद ड्रग एंगल पे जांच शुरू हो जाती है, सीबीआई, ईडी और उसके बाद एनसीबी, लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आया है, क्यों? सती जी, एक पूरा विषय आपको भी पता है कि मुंबई पुलिस करीब 65 से 68 डेज उन्होंने इस केस में जो ढिलाई बरती है, जो लापरवाही बरती है, और किसी भी केस के लिए एविडेंस के लिए वो बहुत क्रूशियल शुरू के जो पीरियड होते हैं, तो सीबीआई का एक प्रोसेस होता है, काम करने का तरीका होता है, क्योंकि 65 डेज बाद बहुत सारे पुरावा या प्रूफ नष्ट हो चुके थे, उसको फिर से रीजनरेट करना एक अपने आप में टफ का जॉब है। और उन्होंने उसमें क्या होता है कि फिर साइंटिफिक और सर्कमटेंशियल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ये सब इकट्ठा करना, और मुझे लगता है कि सब करने के बाद अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट भी सीबीआई को हैंडओवर हो गई है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हमारे साथ अभी रत्नाकर सिंह जल्द ही जुड़ जाएंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी से ही अगला सवाल ले लेते हैं। विनोद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले मुंबई पुलिस के हाथ में केस था और उसके बाद सीबीआई को है, लेकिन फिर भी सर लंबा समय हो गया है, काफी लंबा समय बीत चुका है। अब तमाम ड्रग्स एंगल को लेकर के जांच हो रही है, सभी एक्ट्रेसेस के जो नाम खुलकर, चाहे श्रद्धा हो, सारा हो, दीपिका हो, उनके फोन्स को रख लिया गया है। अब जो डिजिटल सबूत की बात हो रही है कि उनको सामने आने से क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों, जब केंद्र सरकार का भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए ना, केंद्र सरकार को भी, कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, देश में और भी तो मुद्दे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया कि सुशांत सिंह के मर्डर से रिलेटेड या डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उसमें एक परिवार का आरोप था कि पैसे का बड़ा, रुपए का बड़ा हेर फेर हुआ है, 15 करोड़ का उन्होंने हेर फेर का आरोप लगाया था, जिसके लिए ईडी जांच कर रही थी। और ईडी की जांच में आप देखे होंगे कुछ में भी आया कि 10 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से क्वान कंपनी, जो मैनेजमेंट कंपनी है, उसको ट्रांसफर हुआ है। तो कहीं ये साइफनिंग ऑफ मनी तो नहीं है। और उसी तरह से एनसीबी पहले रिया से जांच करते करते, और अभी आप ठीक बोल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान, और कहीं न कहीं जिस तरह से ड्रग माफिया और फिल्म माफिया या पॉलिटिकल लोग जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए केस इतनी इजी नहीं रही, क्योंकि एविडेंस भी बहुत कम है और इसमें कहीं न कहीं इसको डिकोड करने के लिए टाइम जा रहा है। और ये सब जरूरी है, ये सारी चीजें निकल के आएगी, क्योंकि जब सीबीआई, ईडी और एनसीबी सब बैठेंगे तो ये जो लोग भी इनको बचाने वाले थे, कहीं ना कहीं इनका हौसला टूटेगा और सच बाहर निकल के आएगा। ठीक है, रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से। रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। रत्नाकर जी, आपकी तो वहाँ पे अलायंस में सरकार है ना, अगर चाहते हैं कि सच सामने आए, 107 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक सच सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जब मुंबई पुलिस किसकी जांच कर रही थी तो हमारे विपक्ष के नेता जो है बहुत ही हो हल्ला किए, बोले कि 66 दिन हो गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं वही चीज मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों के बीतने के बाद, सीबीआई जांच होने के बाद, ईडी जांच होने के बाद, एनसीबी जांच होने के बाद, आखिर में ये सब एक रिजल्ट पे क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, मुख्य मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का है कि मुद्दे को जो है वो डाइवर्ट करके लेके जाना है, इनको बिहार इलेक्शन तक इस सुशांत सिंह मुद्दे को लाइव रखना है, क्योंकि उसमें इनका चुनावी फायदा है। इसलिए अभी इस पे कोई रिजल्ट नहीं आया है, और जो जांच का रुख इन्होंने मोड़ दिया, अभी जो जांच सीबीआई या सुसाइड है या मर्डर है उसके लिए कराई जा रही थी, वो उस मुद्दे से हट के अभी ये जांच का दायरा जो है वो ड्रग की तरफ चला गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ चला गया है, एनसीडी और अपना ईडी और एनसीबी का रोल बीच में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये देश के मुद्दों को भटकाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, मुख्य मुद्दों पे लोगों का ध्यान नहीं आने देना चाह रही, इसलिए ये इस सुशांत सिंह मर्डर केस को एक रिजल्ट तक नहीं पहुंचने देना चाह रही है। अगर मर्डर है तो पता चले सीबीआई इन रेंजों से जांच कर रही है, वो जो भी लोग उसमें वांछित है उनको पकड़े, उनसे सब तथ्य निकाल के बताए लोगों को कि मर्डर है या फिर सुसाइड है, लेकिन वो चीज अभी नहीं हो रही है। वो अभी ईडी जांच पहले हो गया, फिर उसके बाद अभी ड्रग पेडलर्स का सब केसेस आने लगे, तो मीडिया को कहीं ना कहीं ये चीजों को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है, जो देश के मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। आप जो सर से कह रहे हैं कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इस वजह से बीजेपी इस मुद्दे को बुना रही है, पॉलिटिकली इस चीज को बुना रही है, जब तक वहां के रिजल्ट नहीं आ सकते इसलिए सुशांत के मुद्दे के साथ खेला जा रहा है। सर, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। रत्नाकर जी, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मैं सवाल कर लूं, जवाब आपको ही देना है। और ठीक है, आप पहली बात कह रहे हैं कि क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन है इस वजह से सुशांत के मुद्दे को इतना गोल गोल घुमाया जा रहा है, उसके रिजल्ट पे नहीं आया जा रहा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले तो केस मुंबई पुलिस के हाथ में ही था ना, तब तो ड्रग्स एंगल भी नहीं निकला था,
मौत है, आत्महत्या है, खुद सुसाइड किया या किसी ने मारा है, वो तो एक बात अलग हो गई। ड्रग्स एंगल भी तो निकला ना, इसमें तो कहीं बीजेपी का हाथ नहीं है ड्रग्स एंगल निकालने में। फिर उसके बाद जो 15 करोड़ रुपए का जो हेर फेर की बात आई थी, वो तो सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था, उसमें बीजेपी कहीं नहीं थी, बताइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, तो ये सारे चीज जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी वो सारे लोगों से, चाहे वो जो भी है, चाहे वो इंडस्ट्री में कितने भी बड़े डायरेक्टर हो या कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, सबसे पूछताछ चल रही थी। और जांच का दायरा जो है, जो 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 लोग संभावित थे उनसे पूछताछ चल रही थी। नहीं सर, किसी डायरेक्टर को नहीं बुलाया गया था, बिल्कुल उस वक्त किसी डायरेक्टर को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, चलिए पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखने लगी और वहां से पुलिस अधिकारियों को भेजी यहाँ पे जांच के लिए, क्योंकि उनका विश्वास मुंबई पुलिस के ऊपर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मुंबई पुलिस के ऊपर नहीं रहा, तो वहां से आए लोग जांच करने के लिए। अभी यहाँ पे भी उनको एक्चुअली ये जो मुंबई पुलिस में जो बिहार की पुलिस यहाँ पे आई, वो एक एक स्टेट की पुलिस अगर जांच कर रही है तो दूसरे पुलिस की स्टेट वहां पे नहीं आ सकती है उसी चीज को जांच करने के लिए। ऐसा ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसको राजनीतिकरण दिया गया, राजनीति का रूप दिया गया। अभी उसके बाद अगर फिर बिहार पुलिस वापस गई तो इसको सीबीआई जांच को सौंपा गया। इनको भी अपने मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, ये चीजों को सीबीआई जांच के लिए कहा गया। ये कहा गया कि 66 दिन हो गए हैं, अभी कोई भी रिजल्ट सामने नहीं है। लेकिन मैं वही चीज अभी भारतीय जनता पार्टी से यही चीज पूछने वाला हूँ कि इतने दिन हो गए, आखिर में सीबीआई कोई नतीजा तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ठीक है, मैं बताऊं। रही बात दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कर देना चाहता हूँ। रही बात जो है ड्रग एंगल जो इसमें दिखा है, जरूर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर फिल्म सिटी में अगर ड्रग्स के केसेस हैं तो जो सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग एंगल है, तो उसके भी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को 2019 के पहले ये ड्रग एंगल नहीं दिखा था कभी? आज आपको मैं एक चीज बताऊंगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1300 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। यहाँ पर सारी जांच होगी। धैर्य रखिए रत्नाकर जी, अब मैं आती हूँ। मैं आपसे नहीं, एक मिनट धैर्य रखिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, इस मुद्दे को बुनाना चाहती है। ठीक है, आपने बात कही, लेकिन बिहार से जो पुलिस मुंबई गई थी वो खुद तो गई नहीं थी। सुशांत के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी, उस तब जाकर के बिहार की पुलिस मुंबई गई थी, उसमें बीजेपी का हाथ या केंद्र सरकार का तो हाथ नहीं था। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन जो तथ्य है वो सामने रख रही हूँ। जो तथ्य है वो सामने रख रही हूँ। रत्नाकर जी, मुझे भी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। रत्नाकर जी, आग्रह है आपसे, मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए। कार्यकालिपा में बैठे हैं, उन्होंने राजनीतिक बयान देना शुरू किया, जिसका परोक्ष रूप से फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसका उसे उन्हें इनाम भी मिला, उन्होंने एनडीए की तरफ से उनको टिकट भी मिल रहा है लड़ने के लिए। तो आखिर में फायदा सुशांत सिंह को नहीं हुआ है। उनका मर्डर हुआ है कि सुसाइड हुआ है, वो जांच अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसका फायदा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को जरूर हो गया है। आप ये समझ सकती है कि ये पूरे प्रकरण को पॉलिटिसाइज किया गया। इनकी मंशा जो है वो सुशांत सिंह का मर्डर है या सुसाइड है, उसको जनता को दिखाना नहीं है। इनका मंशा इसको चुनावी फायदा लेना है, बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे के माध्यम से बयानबाजी करके इसको भारतीय जनता पार्टी इसको अपने फेवर में लेना है। ठीक है, आपने कहा कि इससे पहले क्यों नहीं ड्रग्स का एंगल नजर आया, तो इससे पहले तो मैं कह रही हूँ ना, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का, शिवसेना का, एनसीपी का अलायंस है ना, तो आपको देखना चाहिए कि उससे पहले आज तक कभी क्यों नहीं ड्रग्स एंगल आपको वहां पे नजर आया। तमाम पार्टियां होती रही, ऐसा तो नहीं है पुलिस को भनक नहीं होगी, ऐसी तो इतनी लचर व्यवस्था नहीं है या लचर पुलिस नहीं है मुंबई की, भनक तो कहीं ना कहीं होती है ना। इससे पहले क्यों नहीं बात निकली सामने, या इससे पहले जब ड्रग एंगल की बात आई थी तो क्यों नहीं मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट किया, उन्होंने क्वारंटीन कर दिया, बिहार पुलिस के जो अफसर वहां पे पहुंचे उनको क्वारंटीन कर दिया, उन्हें सहयोग नहीं किया गया, उनको कार तक नहीं प्रोवाइड करवाई गई जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। बिल्कुल सहयोग किया गया, मैं आपकी बातों को ये इनकार करता हूँ। इस मामले में भारतीय मुंबई की पुलिस ने पूरा सहयोग किया, बिहार की पुलिस को क्वारंटाइन कर किया गया, वो एक अलग बीएमसी का मुद्दा था, उसको अलग मैटर था, लेकिन मुंबई पुलिस ने सारे साक्ष्य जिससे भी इंक्वायरी किया था सारी चीजों को सीबीआई से भी कोऑपरेट किया और बिहार पुलिस से भी कोऑपरेट किया। लेकिन आप सोचिए एक ही जो एक रत्नाकर जी यहाँ पे आपको रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी राष्ट्रधाम जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी। तो सुशांत की मौत को लेकर के हम बात कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये मौत थी या फिर आत्महत्या। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विनोद मिश्रा जी और कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों से बात हो रही थी और रत्नाकर जी आप जिस तरह से कह रहे थे कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मान लिया एक बार को हम ये भी बात मान लें कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार जो मैं बात कह रही हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र में तो आप लोगों का अलायंस है ना, बात को आप पहले ही साफ कर देते। दिशा सालियान की मौत होती है उसको ढक दिया जाता है कि आत्महत्या है, कुछ दिन बाद सुशांत की मौत होती है उसको भी कोशिश की जाती है कि उसको भी आत्महत्या करार कर जाए, लेकिन एक के बाद एक जब पर्दे खुल रही तो स्थिति जो एक्चुअल स्टेटस है वो तो कुछ और ही निकल करके आ रहा है ना। अगर प्रेशर ना हो तो ये भी चीजें सामने नहीं आती, अब तो ड्रग्स एंगल भी आ रहा है ना। देखिए मैं वही चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपसे ये चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो सुशांत सिंह का मर्डर है कि आत्महत्या है, इसको खुलासा करने में कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बिहार चुनाव तक ये इस मुद्दे को ये ऐसे ही चलने देंगे क्योंकि इनको भुनाना है इस मुद्दे को बिहार में भी। उन्होंने सुशांत सिंह का बाकायदे बैनर और पोस्टर लगा के इस चीज को इनकैश करना शुरू कर दिया है। गुप्तेश्वर पांडे जी जो डीजीपी है उन्होंने वो जब भी पुलिस यहाँ पे भेजे थे उन्होंने भी बयानबाजी किया जिसका परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही थी, जो बाद में इनको टिकट भी एनडीए से मिल रहा है सासाराम से। अब मुझे ये बताइए कि संवैधानिक पदों पे व्यक्ति बैठा व्यक्ति अगर राजनीतिक मंशा पाले हुए है तो वो किस तरह से चीजों को सही दृष्टिकोण दे पाएगा, वो तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा ही। क्या पक्षपात किया उन्होंने, क्या पक्षपात किया गुप्तेश्वर पांडे ने, बता दीजिए आज आप। गुप्तेश्वर पांडे ने ये पूरा महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मुंबई पुलिस जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है और महाविकास आघाड़ी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो हमें जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जो बिल्कुल झूठ था। उनको ये चीजों को पॉलिटिसाइज करना था, उनको महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करना था, उनको बीजेपी को परोक्ष रूप से फायदा देना था, इसलिए वो इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अब मैं आपको बता दूं मुंबई पुलिस के बारे में, मुंबई पुलिस बकायदे उसका जांच कर रही थी, सारे लोगों से पूछताछ किया उसने, सारे तथ्यों की जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन इसको सीबीआई को जांच आपकी बात मैंने सुन ली, आपने बोला कि जांच करी थी, ठीक है, जितनी भी जांच मुंबई पुलिस के तहत हुई है उसमें कहीं भी ड्रग्स एंगल तो सामने नहीं आया। उन्होंने तो इस केस को बंद करने की कोशिश करी थी कि सुसाइड केस अब इसको हम बंद करते हैं, ठीक है, उसके बाद तमाम जो एजेंसियां थी वो जुटी, रुक जाइए विनोद मिश्रा जी भी हैं उनका भी रिएक्शन में ले लेती हूँ, तमाम एजेंसियां थी जो अलग अलग एंगल निकले वो जुटी। अब इतने ज्यादा आला जितनी भी हीरोइने थी उनके नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जो ए ग्रेड एक्ट्रेसेस है उनके नाम सामने आ रहे थे, उसको क्या कहेंगे। चलिए आप गुप्तेश्वर जी को छोड़िए, वो अभी अलग मुद्दा है कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, उस दिन कभी और हम उस पर चर्चा करेंगे। विनोद मिश्रा जी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं क्या सही है ये, क्या बीजेपी की यही मंशा थी? उसी का जवाब देता हूँ जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय या कांग्रेस पार्टी इनके नेता से लेके सब लोग कोई होमवर्क करते नहीं है, विदाउट होमवर्क आ जाते हैं।
पहला मुद्दा नंबर सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई, पहले 15 हत्या हुई या आत्महत्या है, पहले 15 मिनट में मुंबई पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। 2 घंटे बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसका ये ढोल बजा रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, पोस्टमार्टम का क्या है सब लोगों ने देखा, उसमें डेथ का टाइम नहीं था, उसकी वीडियोग्राफी जिस तरह से होनी चाहिए डिटेल्स में वो नहीं हुआ, और उसके बाद परिवार मतलब मुंबई पुलिस जो जांच चिल्ला रहे हैं, इनको अभी तक ये नहीं पता कि मुंबई पुलिस ने FIR ही दर्ज नहीं किया तो किस बात का जांच कर रही थी। फिर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बिहार में केस रजिस्टर करता है ना, और उसके बाद जब केस एक बार रजिस्टर हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस होता है, बिहार की पुलिस आती है, इन्होंने क्वारंटाइन किया, उसको सहयोग नहीं किया, गाड़ी नहीं दी और रिक्शे से वो भटकते रहे। आप सब लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया, पूरा देश देखा है। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती जो महाविकास आघाड़ी की एक सपोर्टर है या जिसके पीछे लोग खड़े थे बचाने के लिए, जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और उनके परिवार द्वारा और सुप्रीम केंद्र सरकार ने जो CBI को केस सौंपी थी उसकी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सही बताया, और मुंबई पुलिस के कार्यकलापों पर भी उन्होंने उंगली उठाया कि क्वारंटाइन जैसे विषय नहीं होते तो अच्छा होता। तो किस बात की जांच कर रही थी, इसमें BJP कहाँ से आ गई, राजनीति कहाँ से आ गई, 68 दिन ये मजाक बनाए रहे, दिशा सालियन की जांच नहीं किए, जब कुछ हुआ तो क्लीन चिट देते रहे, और अनिल देशमुख जी बार बार इनके गृह मंत्री आके बयान देते रहे कि हम किसी भी कीमत पे CBI को जांच नहीं देंगे, क्योंकि ये कीमत वाले लोग हैं, हर बात में ये लोग कीमत इनको चाहिए, ये कीमत की भाषा कर रहे थे, अब इनको जांच करना नहीं। पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का रोल था, तो मैं बोलूंगा इनको कोई पूछता नहीं है, आप ना ही शिवसेना पूछती है ना ही राष्ट्रवादी, इनके नेता रोज शिकायत मीडिया में करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मतलब बेगाने साथी में अब्दुल्ला दीवाना इनके नेता संजय निरुपम जी का रोज ट्वीट उठा के देख लीजिए। तो कैसा है कि अब इनको कुछ करना नहीं है, अननेसेसरी BJP पे आरोप लगाना है। अरे रत्नाकर जी, BJP पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ठीक है विनोद जी, आपकी बात समझ गई मैं। रत्नाकर जी क्यों BJP पे आरोप लगा रहे हैं? बात करिए ना अपने अलायंस के साथ, अब तो CBI भी काम कर रही है तो उसको सपोर्ट करें और भी जो कुछ कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सुशांत के जो हत्या का मसला या आत्महत्या है जो भी है ये साफ और स्पष्ट हो, जनता के सामने उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, तो कहीं जाइए बात करिए वहां पर, सरकार की तरफ से भी महाराष्ट्र सरकार भी करे जाकर के वहां पे CBI के साथ सहयोग करे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जो ये CBI की जांच करा रही थी या अभी भी करा रही है, उसमें जाना था जापान और पहुंच गए चीन। मतलब आप सुशांत सिंह को न्याय देने की बात कर रहे थे, आप सुशांत सिंह का सुसाइड है कि मर्डर है, उस चीज पे जांच न करा के आपका जांच का जो है डायरेक्शन जो है बदल दिया गया, ED का उसमें मामला ला दिया गया, उसके बाद ड्रग पेडलर्स का मामला ला दिया गया, उसके बाद ड्रग पेडलर्स में मैं आपको बता दूं सर मामला लाया कहां गया है, निकले है ना, सबूत मिले ना, तब तो CBI को NCB इतनी खाली थोड़ी ना बैठी हुई है कि अगर उसमें कोई ऐसा केस ही नहीं आ रहा NCB खुद ही आकर के उसमें टांग अड़ा देगी, इतनी खाली थोड़ी बैठी हुई है NCB। तीन बड़ी एजेंसीज है देश की, CBI, ED, NCB, NCB इतनी खाली थोड़ी बैठी है, ड्रग्स एंगल नहीं निकलेगा तो कैसे NCB आकर के चेक करती। अब तो जितनी भी अगर निकल गया है तो उसमें सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है कि हत्या हुआ है, उससे कहाँ कनेक्शन है? तमाम वीडियोस आई हैं जिसमें सुशांत की हालत बेहद गंभीर थी, जांच लेने के बाद अभी तक इसको ये क्लियरिटी नहीं दिया है कि यह मर्डर है कि सुसाइड है, अभी भी जांच चल रही। ड्रग्स एंगल तो निकला ना कि उसको ड्रग्स दी जाती थी, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि उसको ड्रग्स दी जाती थी। वो वीडियोस मेरे पास है, हमारे पास है, वो वीडियोस हैं जिसमें उसकी हालत खराब थी। अगर किसी को जो ड्रग एडिक्ट हो जिसको ड्रग ना मिले तो क्या होता है? रिपोर्ट अभी आया है, मैम आपको कल ही बता दूंगी, कल एम्स का रिपोर्ट आया है जिसमें कहीं भी उनके शरीर में जहर की मात्रा नहीं मिली गई, ये भी अभी कहीं भी क्लियर नहीं है। सिर्फ मीडिया ट्रायल पे ये बता देना, समझ नहीं रहे बात मर्डर का, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, जो जो सच्चाई
चाहिए, मीडिया वही रख रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से विनोद मिश्रा जी, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो राष्ट्र धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुशांत की मौत से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एनडी न्यूज़।